मुल्ताई ससुंदरा आरटीओ चेकपोस्ट पर हो रही ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली। खबर बैतूल जिले के मुल्ताई के अंतर राज्य आरटीओ चेकपोस्ट रोजाना हजारों की तादाद में ट्रकों का आना जाना लगा रहता है। चेकपोस्ट पर उपस्थित अधिकारियों के द्वारा एंट्री के नाम पर किसी से 1000 और किसी से 1500 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि अवैध वसूली के अंतर्गत आता है। कम ज्यादा कहने पर ड्राइवरों को माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। आज हमने जब आरटीओ चेकपोस्ट पर दोनों साइड आने वाले लोगों से बात की तो आइए बताते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जानते हैं कि इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा है। इस परिस्थिति में ट्रक ड्राइवर अपनी जान की परवाह ना करते हुए आवश्यक जरूरी सामानों का परिवहन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। मुल्ताई से संवाददाता अल्ताफ अहमद की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम ससुंदरा के चेक पोस्ट बॉर्डर के पास खड़े हुए हैं। यहाँ पर काफी मात्रा में ट्रकों का आना जाना है और आज हम ये बात जानने आए हैं कि ट्रक ड्राइवरों से आखिर किस बात की यहाँ पे एंट्री ली जाती है, जबकि उनके पास अंडरलोड माल रहता है और उनके पूरे डॉक्यूमेंट ओके रहते हैं, फिर ये एंट्री किस बात की ली जाती है। आइए आपकी सीधी ट्रक ड्राइवरों से करवाते हैं हम बात। दोस्तों, अभी हम हैं ससुंदरा के चेक पोस्ट पर और इस चेक पोस्ट पर से रोज हजारों की तादाद में गाड़ियों का आना जाना दोनों ओर लगा रहता है, लेकिन गाड़ी अंडरलोड है, कागज पत्तर ओके है, इसके बावजूद इन ड्राइवर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इनसे 1000-1500 रुपए की एंट्री ली जा रही है। आइए जानते हैं, हमारे बीच में कुछ ड्राइवर भाई है। बताएं आपका नाम क्या है, परिचय बताएं अपना। कहाँ से आए हो? क्या भर के लाए थे गाड़ी में? ये है अपने पाउडर, चूना पाउडर, लाइम स्टोन। कितनी एंट्री लिया आपसे? अभी 1200 रुपए। किस बात के दिए आपने 1200? माँ बहन की गाली निकालता है। ऐसा क्यों? आपके कागज पत्र तो सब ओके हैं। आपको खुद परमिट दिखाता हूँ, ऐसी पर्ची देते हैं जिनमें देखो भारत, ये ना मेरा परमिट है। ये भी बोला यहाँ से हटाओ, हड़ताल वालों गाड़ियाँ निकल रही है और तुम लोगों बेवकूफ बना रहे। आपसे जो एंट्री लिए इसकी रसीद देते हैं लोग? नहीं, ये नहीं देता है, वो पीछे वाला देता है। ये देखो, ये पेन से इसमें लिखते हैं, इसमें देखो ये पेन से लिखते हैं 3300, 4000, 1200। अगर थोड़ा भी अगर देखते हैं तो वहाँ मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ बहन की गालियाँ भी निकालते हैं। ये है अपना उसकी। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने कुछ ड्राइवरों से बात की है, इन लोगों को माँ बहन की गाली दी जाती है, पैसा नहीं देने पर इनकी कॉलर पकड़ी जाती है, मारा ठोका जाता है और ये लोग त्रस्त है। आज पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा है, इसके बाद भी ये लोगों की जरूरत का सामान लाने ले आने का काम अपनी जान पर खेल के कर रहे हैं दोस्तों। इसके बावजूद आरटीओ डिपार्टमेंट इनके साथ में ये ससुंदरा चेक पोस्ट पर बदतमीजी कर रहा है। क्या ये वाजिब है? ना हैदराबाद से क्या लेके आए हो? बैटरी लोड है। कितना एंट्री दिया है यहाँ पे अभी आरटीओ पे? 1000। किस बात का? पता नहीं काय का एंट्री लिया उन्हें आपसे? पता नहीं जी, वो तो कांटा कराया है, कांटा में 130 रुपए लिया, उसके बाद बोला 1000 रुपए आपका लगेगा। तो 1000 किस बात का लिया? आपकी गाड़ी तो अंडर लोड है। हाँ जी, अंडर लोड है। क्या चाहते हो, एंट्री लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगना चाहिए, पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते जी, उनका मर्जी है, हम अपना मर्जी को तो नहीं बोल सकते, हम लोग ड्राइवर आदमी है, क्या कर सकते। शंकर कहाँ से आ रहे हो? मैं सोलापुर। क्या लेके आए हो? बीड़ी। कितना लोड है गाड़ी में? 10 टन है। ये जो ससुंदरा चेक पोस्ट है, यहाँ कितनी एंट्री दिया? 1500 रुपए। किस बात का? पता नहीं है, महीने का मंथली है ऐसा कुछ बोल रहे। तो एंट्री देना कैसा लगता है? ठीक नहीं है, मगर क्या करेंगे, सब दादागिरी चल रहा है।